अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद। आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जो आ गई थी उसकी अपडेट देने के लिए आपके साथ आया हूं। और तमाम क्लेमेंट इन्वेस्टरों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो ध्यान से सुने। और एक बात कहनी थी, ग्रुपों में कल रात से जो है बहुत सारी बातें हो रही थी मेरे ताल्लुक से लेके, तो उनसे मैं कह दूँ कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में ये समंदर नहीं गिरता। तो बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, तो उसको अवॉइड कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। और जो भी कुछ ध्यान देना है हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे देना है। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर आया, उसे समझने में कुछ वक्त लगा, मैं भी परेशान था, आप लोग भी परेशान थे कि आखिर ये ऑर्डर कैसा आया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो हर तरह से जो है हर चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए ऑर्डर देते हैं, फैसला देते हैं। अभी तक फैसला आया नहीं, ऑर्डर देते हैं। तो पिछली तारीख में जो ऑर्डर था कि 400 करोड़ जमा करना था, बायर देना था चीन एनवेलप पे, तो इस मरतबा सिर्फ है ना वो 400 करोड़ की बात भी नहीं हुई, और सिर्फ है ना बायर के ताल्लुक से जो है सील एनवेलप आ गया, और उसके बाद में सिर्फ ज़मीन के मामला पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो बहुत परेशान थे हम लोग। तो आपको तफसील से बता दूं कि 5 दिसंबर के रोज़ 2 दिसंबर तक जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्टर ऑफिस की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2 दिसंबर तक नरेश सिंह ने सीन एनवेलप सबमिट नहीं किया था, 3 दिसंबर को भी सीन एनवेलप सबमिट नहीं किया था, 3 दिसंबर की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्टर ऑफिस की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक, और 5 दिसंबर की दिन जब कोर्ट चालू हुआ तो कोर्ट में जो है नोएरा शेख की जानिब से जो है, नोएरा शेख भी कोर्ट में मौजूद थी, उन्होंने अपनी जानिब से अपने वकील के जरिए जो है एक सीन एनवेलप जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, बायर के ताल्लुक से कि ये बायर है, ये हमारा खरीदार है बोलते। तो उस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वहाँ पे बातें हुई, बातें होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है उस तमाम जो आर्गूमेंट हुई, जो हेयरिंग जबकि बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑर्डर दिए, और ऑर्डर की कॉपी हमें दूसरे दिन मिली, उसी दिन भी अपलोड नहीं हुई, दूसरे दिन मिली। सबसे पहले ऑर्डर की कॉपी में सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में नोएरा शेख ने जिस ज़मीन के ताल्लुक से बायर सबमिट करी है बेचने के लिए, खरीदार सबमिट करी है, उस ज़मीन के ताल्लुक से डिस्प्यूट है, मामला डिस्प्यूट है ना, दो लोगों के बीच में मामला चल रहा है पहले से, तो उसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया गया था। और जो इस मामले में शामिल है ज़मीन के मामले में नोएरा शेख के अलावा, जिसने अभी दावा किया है दूसरे ने भी कि मेरी भी ज़मीन है, तो ज़्यादातर नाम नोएरा शेख की तरफ से आता है, और बहुत से वहाँ पर हैदराबाद के लोग भी कहते हैं कि ऐसे बिल्डर का इसमें हाथ है, ऐसे बिल्डर ने ऐसा मतलब कब्जा किया है, जो भी कुछ है, तो वहाँ पर उनकी तरफ से जो है इंटरव्यू फाइल हुई थी 2 दिसंबर के रोज़, एक इंटरव्यून फाइल हुई थी जिसका नंबर था 184179। वो इंटरव्यून फाइल हुई थी, उसके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है आकर्षण आदित्य नाम उनका था, तो उन्होंने इंटरव्यून फाइल किए थे, उनके इंटरव्यून पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और साथ ही साथ में नोएरा शेख की रिट पटिशन 31/220, और साथ ही साथ IA नंबर, इंटरवेंशन एप्लीकेशन नंबर 184179 के ऊपर जो है ऑर्डर दिया कल का। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि नोएरा शेख ने जो है एक बायर को सबमिट करी है, वो बायर जो है नोएरा शेख की जो ज़मीन है, टोली चौकी की लैंड है, जिसपे सर्वे नंबर लिखा हुआ है, सर्वे नंबर 178, 177, 180, 181/1, 211 और तमाम तरह के जो मतलब वो उसमें जो बताए हैं ऑर्डर में, उन्होंने पूरा मतलब उसमें बताया है कि ये ज़मीन जो है नोएरा शेख की है, और नोएरा शेख के लिए इस ज़मीन को खरीदने के लिए खरीदार मौजूद है। हाँ, के खरीदार के साथ साथ नोएरा शेख के एडवोकेट ने भी कहा कि नोएरा शेख के जो ज़मीन पे जो तनाज़ा थे, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बावजूद भी ये खरीदार लेने के लिए रेडी है, तैयार है। तो वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जो ख़रीदार है, पिछली मरतबा उनके एडवोकेट ने 800 करोड़ कहा था, लेकिन इस मरतबा नोएरा शेख ने जो है बायर के नाम, बायर जो है जो डिफरेंट है, अलग अलग मतलब है, बायर एक ही बायर नहीं है, अलग अलग बायर्स हैं, जो 641 करोड़ रुपये उन्होंने बताया कि 641 करोड़ रुपये की नोएरा शेख की ज़मीन को ख़रीदने के ऑफर्स आए हैं,
और उन ऑफर्स में बायर जानते हैं कि इस ज़मीन पे मामला डिस्प्यूट है, दूसरे का भी दावा है, उसके बावजूद भी वो ज़मीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, रेडी है, तैयार है, ऐसा उनके एडवोकेट ने कहा। तो जज साहब ने उनकी बात को भी नोट में लिया और नोट में लेने के बाद में जज साहब ने एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर देते हुए कहा कि अगली तारीख तक, और नरेश के एडवोकेट ने ऑर्डर पर जाने से पहले बताऊँ, नरेश के एडवोकेट ने यह भी कहा कि वहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़मीन का जो नक्शा है या जो डिमार्क किए गए हैं तो उसमें बताया गया कि एक तरफ ज़मीन है और एक तरफ रास्ता है। उसे उनको जो है मैप दिया गया रिवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से और मार्क किया गया है कि ये एक तरफ पूरी ज़मीन है और एक तरफ रास्ता है, ऐसा उनसे वो ज़मीन के ताल्लुक से बताया गया, जिसमें जो है मतलब डिस्प्यूट हो रहा है मामला। तो उन सबकी बातों को सुनते हुए जज साहब ने जो है ऑर्डर देते हुए कहा कि आइंदा 31 जनवरी तक, आने वाली 31 जनवरी तक नोएरा शेख के एडवोकेट से कहा कि आप क्या करेंगे। तो नोएरा शेख के एडवोकेट ने कहा कि हम आने वाली तारीख तक के पूरा डीमार्क का जो है पूरा आपको प्लान आपके पास सौंप देंगे। तो जज साहब ने उनको भी कहा, और साथ में जो इंटरवीन किए थे नोएरा शेख की ज़मीन पर दावा करने वाले दूसरे जो इंटरवीनशन थे उनको भी ना जज साहब ने आदेश दिया, आप भी अपना जो है डिमार्केशन का पूरा जो है वो भी सीन एनवेलप में लाके सबमिट कीजिए। जिस तरह नरेश शेख के एडवोकेट सीन एनवेलप में डिमार्केशन का जो नक्शा है वो सबमिट करेंगे, आप भी सबमिट कीजिए। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने रिवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इसमें मतलब साथ में लेने के लिए कहा है, और ईडी से भी कहा है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट से ले के जो इस ज़मीन के जो कागजात, ज़मीन का जो नक्शा है, और वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट ये बताए कि ये ज़मीन किससे किससे और अब फाइनल अभी किसके नाम पे। इस तरह उन्होंने जो है ऑर्डर दिया। तो आने वाली तारीख पे रिवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कहा गया है कि वो भी जो है सील एनवेलप में बताए कि ज़मीन हकीकत में किसकी है, नोएरा शेख की है या जिसने मतलब नोएरा शेख के साथ दावा किया मेरी है बोल के उसकी है बोल के, मतलब ये तीनों बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अगली तारीख को देखेंगे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये भी कहा कि अगर वाकई में अगर ज़मीन जो है तनाजात नहीं है, जो एकदम मतलब आराम से मतलब उसको बेच सकते हैं, तो उसमें जो है लिफ्टेड कर देंगे, लिफ्टेड यानी ईडी का जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को हटा लेंगे। इस तरह जज साहब ने उस ज़मीन के मामला को हल करते हुए देखा कि ज़मीन के मामला को हल करना भी बहुत ज़रूरी ही था, क्योंकि वो ज़मीन बिकने के बाद ही जो है इन्वेस्टरों के जो है पैसे आएंगे। यहाँ पे तो नरेश शेख के पास तो पैसे नहीं है, ज़मीन बिकने के बाद ही पैसे आने हैं। यहाँ पर भी ये बात भी नोट कर लीजिए, ये बात तो मैं मतलब जज साहब ने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि नरेश शेख को जो है ज़मीन बिकने के बाद ही पैसे आएंगे। तो उस तरह जो है इस मामले को जज साहब ने जो है बड़े संजीदगी से लिया, संजीदगी से लेते हुए इस मामले को जो है अगली तारीख तक 31 जनवरी तक दे दिया। तो आप लोग सोचेंगे कि तारीख बहुत लंबी पड़ गई, लेकिन बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक विंटर वेकेशन आ रहा है और साथ ही साथ में जो है क्रिसमस की छुट्टियां भी आ रही है, तो उस वजह से तारीख जो है थोड़ी लंबी पड़ रही है। तो उसमें मतलब थोड़ा इंतज़ार की बात है और इंतज़ार भी करें। और इस दरमियान जो है और एक जो है वहीं पर जो है नोएरा शेख जब ज़मीन के ताल्लुक से वहाँ पर बोर्ड लगाए, बोर्ड लगाने के बाद में नोएरा शेख ने जो है वेबसाइट चालू की है, वेबसाइट चालू करने के बाद में जो है वहाँ पे गोलकुंडा पीएस में नोएरा शेख के खिलाफ ईडी ने जो है एक एफआईआर लिखा दिया 442 करके एक एफआईआर लिखा दिया। तो जज साहब के सामने उस बात को भी रखी गई। तो जज साहब ने जो है एफआईआर के ताल्लुक से कहा कि अभी जो है इस पर रोक लगा दिया, यानी उस एफआईआर पे स्टे लगा दिया। तो उस एफआईआर को मुझे पता चला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उस पर भी बहुत वावेला मचा। तो वहाँ पर फिर बाद में मालूम पड़ा, मुझे तहकीक करने पे मालूम पड़ा कि बोर्ड के ताल्लुक से हुआ है। फिर ऐसा भी फिर बाद में कल नोएरा शेख के पर्सनल सेक्रेटरी के फ़ोन करने पे मुझे पता चला कि उन्होंने जो है ईडी को जो है इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसा उनका कहना था। और उनके ऑडियोज भी आप सुने रहेंगे, उसमें ऑडियो में उन्होंने कबूल किया है कि हमने ईडी को मतलब जो है बताया नहीं था, इसलिए जो है हम पे एफआईआर हुई। तो एक मामूली सी बात थी, जो छोटी सी बात थी, जो ईडी को इन्फॉर्म करना था, एक कागज़ का टुकड़ा होता है जाके उनको देना रहता, फिर बाद में अपना काम करना रहता था। खैर ये जो बहुत सारे इस एफआईआर के ताल्लुक से बहुत गहमा गहमी भी बहुत सारे मतलब है ना बातें सुनने को मिली कि खिलाफ ऐसा हो गया वैसा हो गया। खैर ये सब बातों को जज साहब ने कदगन लगाते हुए उस पर रोक लगाते हुए उस एफआईआर को स्टे दे दिया कि जब अगले ऑर्डर तक जो है इस पर रोक लगी रहेगी, और आने वाले 31 जनवरी को जिस जिसकी ज़मीन के ताल्लुक से जो जो उसके पास चीज़ें हैं वो लाके सीन वेलप में दे, और साथ में रिवेन्यू डिपार्टमेंट और ईडी से भी कहा है कि वो भी दे। तो अभी ईडी के जो अटैचमेंट है उसके ताल्लुक से जज साहब ने कुछ नहीं कहा है, जब अगली तारीख पे जाएगा तो वहाँ पे देखे जाएंगे। और उसके बाद जज साहब ने देखा कि 641 करोड़ की मतलब जो ऑफर्स आई हैं, जज साहब ने कहा ये बहुत खुश आइन बात है,
ताकि जो क्लेम जो इन्वेस्टर क्लेम्स किए हैं उनके वेरीफाई होने के बाद उनको पैसे देने के लिए ये मतलब आसानी होगी करके दस साहब ने ये भी कहा है। और वहाँ पे उसी दरमियान एसपी राजू साहब भी खड़े हुए हैं जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिए थे उस वक्त के मुताबिक जो है बर्डन ऑफ इन्वेस्टरों के क्लेम्स आए हैं। बड़े नहीं मतलब उनके पास मतलब कोई मतलब गिनती नहीं हुई, मतलब गिनती नहीं हुई। 30 नवंबर आखिरी तारीख थी, तो 30 नवंबर को किसी ने भी जो अगर स्पीड पोस्ट के जरिए क्लेम भेजा होगा तो उनको 30 तारीख को तो नहीं मिला होगा, 2 तारीख को मिला होगा या 4 तारीख को मिला होगा या 5 तारीख को मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि उसकी भी तस्दीक बाकी है, उसकी भी वेरीफाई करना बाकी है। तो जस्ट साहब ने उनकी बात को भी नोट में लेते हुए कहा और अगली तारीख 31 जनवरी दिया ये सब चीज़ों को लाने के लिए। तो इस दरमियान जो पिछली तारीख पे जो मामला आगे बढ़ना था नहीं बढ़ा, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली तारीख पे उन दोनों मामलों को लेके शायद एक अच्छा फैसला आने की उम्मीद है। इस दरमियान जो लोगों ने क्लेम भेजा तो उनको इत्मीनान कर लें कि उनका जो है क्लेम अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पहुंच चुका है। और पहुंचने के बाद में जो है वहाँ पे जो अभी जो वक्त मिला है तो SFIO जो है उस पर क्लेम को जो है वेरीफाई करने के लिए उनके पास आसानी रहेगी। और बाकायदा जो है वेरीफाई करके जो है जिन जिन लोगों के क्लेम आए हैं एक लिस्ट जो है अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में बहुत सारी जो उन पे जो मतलब खामियां होंगी उस खामियों को भी दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ तक का जो है अभी तक की जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक और जो इन्वेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया कि ना जो 30 तारीख का आपने वक्त दिया है जज साहब वो कम है, उस वक्त को बढ़ाया जाए, तो जज साहब ने उसको भी जो है खारिज कर दिया, उसको भी मतलब मना कर दिया कि 30 नवंबर तक जिन इन्वेस्टरों ने क्लेम किए उन्हीं को हम नंबर ऑफ इन्वेस्टर मानेंगे और उसके अलावा 30 नवंबर के बाद जो भी इन्वेस्टर रहेंगे उनको हम नंबर ऑफ क्लेम्स मतलब नहीं मानेंगे। और SFIO को भी इंटरटेन करने से मना कर दिए। और अभी मतलब जो 30 नवंबर तक जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट अपना क्लेम किया है उन्हीं को इन्वेस्टर माना जाएगा, भले वो 30 नवंबर को पोस्ट ऑफिस से भेजे हैं और भले वो 4 तारीख को मिले या 5 तारीख को मिले या 6 तारीख को मिले, वो इन्वेस्टर माने जाएंगे। उसके बाद में किसी को नहीं कहा जाएगा। वहाँ पे जो है जज साहब ने ये भी कहा, जो इन्वेस्टर वक्त मांग रहा था वो कह रहा था कि इन्वेस्टर के 25,000 रुपये के इन्वेस्टर हैं जो मतलब अनपढ़ है, जाहिल है, उनको पता नहीं है ऐसा है। तो वहाँ पे SFIO ने हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट दिए थे क्लेम करने का वो बताया। तो उसके बाद में उनसे जज साहब ने कहा कि अगर आपको क्लेम करना है तो आप हीरा ग्रुप के ऑफिस जाके क्लेम कर सकते हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ा वहाँ पे। उसके बाद में नोएडा शेख के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं जनाब आदिल रशीद साहब, कल वो मेरे साथ कन्वर्जेशन में भी बताएं, कल तो उनके कन्वर्जेशन में ज़्यादातर उनकी बातें थी, मेरी बातें तो कम थी। आप देख चेक कर सुन लें ध्यान से, और सोशल मीडिया पे वो ऑडियो वायरल हो रहा है और खूब चल रहा है, ताकि आप लोग को भी जो है पता चले कि हकीकत क्या है। हम तो हकीकत वही बताते हैं जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो पेपर्स जमा होते हैं उसमें बताते हैं। और एक ये बता दूं कि 2 दिसंबर को जो है SFIO की तरफ से एक एफिडेविट सबमिट हुआ था। उस एफिडेविट में SFIO ने कहा है कि उनके पास 25 नवंबर तक 8,300 जो है इन्वेस्टरों के क्लेम आए हुए, और उन 8,300 इन्वेस्टरों के क्लेम्स की अमाउंट है 423 करोड़ रुपये, ऐसा उन्होंने लगभग बताया। और भी मतलब बाकी हैं जो मतलब 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 तक के जो इन्वेस्टर क्लेम उनके अमाउंट को भी जोड़ना बाकी है, उनके नंबर्स को भी जोड़ना बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों ने क्लेम किया अगर उनका क्लेम जो है SFIO पहुंचा होगा, अगर वो पोस्ट ऑफिस के जरिए पोस्ट किए रहेंगे उनको जो है पोस्ट ऑफिस के रसीद के जरिए उनको मैसेज भी आया होगा, हर चीज़ उनको पहुँच गई रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना रखें, जिस तरह SFIO की वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड होगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भी जो चीज़ें रहेगी मतलब बाद में हमें मालूम पड़ेगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन तफसीलात आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए तफसीलात के साथ आपके लिए ये ऑर्डर को रखा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चांद।